कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है और कई सारी चीज़ें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है, जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते भी और कई सारी चीज़ें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। अभी कुछ दिन बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू आ जाने चाहिए। साल के इस वक्त अक्टूबर नवंबर के टाइम में पराली जलने की वजह से धुआं दिल्ली में आता है, धुआं पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है, जिसकी वजह से खूब पोल्यूशन होता है और लगभग एक महीने तक पूरा उत्तर भारत, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये पूरे चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। ये समस्या 10-12 साल से क्यों है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, इस लंबी कहानी है, लेकिन पिछले 10-12 साल से हर साल अक्टूबर और नवंबर के समय पराली जलने की वजह से पूरा उत्तर भारत परेशान रहता है। सबसे ज़्यादा परेशान रहता है किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, दिल्ली का किसान। मैंने कई किसानों से बात की, किसान कहते हैं जी जब हम पराली जलाते हैं हम भी पराली जलाना नहीं चाहते हैं। पराली जलाने की वजह से सबसे ज़्यादा धुआं तो उनके अपने गांव के अंदर होता है। आप सोच के देखो कि पंजाब का वो किसान जो पराली जला रहा है, गांव के अंदर सारे किसान जब पराली जलाते हैं तो उस गांव के अंदर जीना कितना दूभर हो जाता होगा।